हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम चदब। इस गेम प्ले में हर एक स्नोरलैक्स एक दूसरे का हेल्प करने वाला, वो कैसे वो आगे जाकर समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे यान हटाकर स्लिपलॉक इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ना अटैक वाला कोई मूव ना यूज कर पाऊँ, सिर्फ फ्यूजर ही यूज करूँ डूड। और अपने मैं फल्टरस को ग्रेविटी दे रहा हूँ ताकि कोई फ्लैंग टाइप पोकेमोन आ जाए तो उसको ग्रेविटी से नीचे ला कर उस पर फ्यूजर मार सकूँ। लाइक मैं गेम जिससे भी जीतूंगा ना तो फ्यूजर से ही जीतूंगा, नहीं तो हार जाऊंगा चाहे वो छोटा से छोटा प्लेयर क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखना ये हरिया बंदा नाम है इसका, तो भाई इसके पास तो थोड़ा खतरनाक फील्स लग रहा है कि यहाँ पर देखो अटैकिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता, डिफेंस में है थोड़ा मोड़ा मेरे पास पोकेमोन्स, बट यार अटैकिंग में कुछ नहीं कर सकता। हाँ सिर्फ फ्यूजर ही मार सकता हूँ, मतलब लक पे डिपेंड हूँ मैं एकदम लिटरली। डूड मेरे ख्याल से मेरा ये गेंदा यहाँ किसी काम का नहीं होगा, तो मैं काल को बुला लेता हूँ। ये रहा काल, मतलब इसका काल, इस सामने वाले का काल आ गया, ठीक है। तो मुझे अच्छे से पता है कि यार मतलब काउंटर बैक तो शायद यार काउंटर तो कर ही सकता हूँ, डिफेंस कर ही सकता हूँ खुद को, मतलब कोई मारेगा तो मैं पिटा जाऊँगा। हाँ यार देख बिहारी हूँ मैं, हाँ मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, फ्यूजर का यहाँ पे यूज़ तो कर नहीं सकता, फ्लाइंग टाइप पोकेमोन तो ग्रेविटी यूज़ करता हूँ ताकि इसको मैं अर्थ पिला सकूँ, मतलब ज़मीन पिला सकूँ। ये रैप मार रहा है, ठीक है, रैपिड स्पिन मैं यूज़ कर लूँगा ग्रेविटी को यूज़ करने के बाद। लो 5 turns के लिए ये जितने भी फ्लाइंग टाइप पोकेमोन यहाँ पे कोई पोकेमोन होंगे ना वो सब नीचे आ चुके होंगे। फ्यूजर या फिर स्पाइक्स वगैरह जिसको लगेगा भी नहीं ना उसको लगने लगेगा। तो यहाँ पर ग्रेविटी इस तरह यूज़ होता है। हाँ मैं ग्रेविटी को ऐसे फोल्टर्स पर यूज़ नहीं करता, लाइट स्क्रीन यूज़ करता हूँ ताकि बाइट वगैरह का इफेक्ट ज़्यादा पड़ पाए, ठीक है। मैं यहाँ पे इन पोकेमोन के लाता हूँ क्योंकि यार देखो सेम होना चाहिए, मतलब वो 77 लेवल का बंदा है, उसका एचपी वगैरह के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे पोकेमोन ला रहा हूँ। और फ्यूजर इसको भी मैंने दे रखा है, रेस्ट स्लिप टॉक तो है ही, तो फ्यूजर मैं मार रहा हूँ। देखो मेरे पास अभी 2-3 turn होने चाहिए फ्यूजर के। भाई काश लग जाए, दिल खुश हो जाएगा भाई। लग जा। डूड अगर लग गया ना तो आज खाना में मैं चीनी रोटी खाऊंगा, सही बताता हूँ भाई। लग गया भाई लग गया, ठीक है। ये फ्लाइंग टाइप एक पोकेमोन तो क्या बहुत अच्छा लगता है उस पोकेमोन को मार के जो कभी मर ही नहीं सकता किसी मूव से, लाइक ग्रेविटी का यूज़ करके 5 turns के अंदर मैंने उसको टोक डाला, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, यार देखो इसका अटैक के सामने ये मेरा पोकेमोन टिक पाएगा नहीं, मुझे पता था। अब मैं सोच रहा हूँ किसको लाऊं, येलो स्नोलैक्स को लाता हूँ, बट वो बल्कअप वगैरह ना कर ले, अगर कर लेगा ना तो मेरा ये पोकेमोन भी टिक नहीं पाएगा, उतना अच्छा डिफेंस नहीं है इसका, इसका फ्रेंडशिप वगैरह भी कम्प्लीट नहीं है, मतलब ऐसे वो 50 वाला होता है ना वो सिर्फ कंप्लीट है, तो उसे कितना ही खाड़ पाएंगे कुछ, है ना भाई। फ्यूजर लकी ये एक ही बार में, अबे यार देखो मतलब हमारा क्या है ना, लक वाले बंदे हम लोग, समझ रहे हो, मतलब किस्मत, एक कहावत है ना कि टैलेंट वाले सड़कों पे राज करते हैं और किस्मत वाले महलों में, भाई ऐसा कुछ कहावत है, मैंने कहीं से सुना था, पता नहीं कहाँ से सुना था। जो भी हो यहाँ पे बहुत अच्छे से पीट दिया उसने मुझे भाई, 123-132 था शायद HP, 1 HP आई लिटरली पबजी में बोला जाता है लाइक दिस, मैं बोलता हूँ कभी कभी पबजी में भी, आई ऑल्सो प्ले पबजी बट कभी नहीं खेलता हूँ मैं पबजी। हाँ कोई मुझसे आईडी मत मांगना भाई। यहाँ पे ठोक दिया इसने फिर से, एक ही चांस बचा हुआ काल। देखो अगर इसको इसने मार दिया ना तो मैं इस गेम को भाई स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि यार जीत तो मतलब देखो अटैक तो कर नहीं सकता मैं, तो फालतू का यहाँ पे उसको भाई परेशान करके फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट करके फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई पता नहीं वो क्या कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहा है वो, मतलब चूज़ करने में कोई अटैक वगैरह। मैं काउंटर यूज़ करूँगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, फ्यूज़र ही यूज़ करने वाला हूँ, मुझे पता वो मार नहीं पाएगा। फिर भी 5 फ्यूज़र है मेरे पास, तो सबके सब यूज़ करूँगा मैं, उसके बाद रेस्ट स्लिप टॉक वाला फ्यूज़र यूज़ करूँगा। अच्छा वो सोया वार रहता है तो जल्दी फ्यूज़र लगने के चांसेस होते हैं भाई, वो भी डरा हुआ कि भाई फ्यूज़र लगना चाहिए। भाई मैं बिलीव नहीं कर रहा था कि इसके पास स्टडी एबिलिटी नहीं है। डूड तुमने अपने पोकेमोन को स्टडी एबिलिटी नहीं दिया, खास करके स्नोरलैक्स को जो कि भाई स्टडी एबिलिटी के लिए जाना जाता है, भाई कभी भी दे देना, मतलब ये गलती ना करना। शायद उसने वो वाला एबिलिटी दिया होगा, पॉइजन से नहीं इफेक्ट होता है वो वाला, याद नहीं है मुझे कौन सा एबिलिटी था, जो भी हो भाई इसको भी लग गया, क्या बात है। मतलब दिल खुश हो गया यार मेरा भला इस बैटल में, इस बैटल के बाद और एक बैटल होने वाला है एक बंदा के साथ ना, पर उसके साथ देखना कितना मजा आने वाला है। तो यहाँ पे ना क्या होता है, बहुत स्टाइलिंग चलता है मतलब उसके मेरे बीच में, क्योंकि यार मैं तो मार नहीं पाऊंगा, वो मुझे मार नहीं पा रहा, अब मेरे लेफ्ट ओवर की वजह से मेरा एचपी बढ़ जा रहा, दैट्स वाई यहाँ पे ना बहुत गंदा मतलब वो होने लगा था, दैट्स वाई इसको मैंने दे दिया भाई, मतलब जीत दे दिया, ले ही लो भाई तुम ही जीतो, वक्त बर्बाद करके फायदा नहीं, ऐसे भी ये वक्त बहुत खतरनाक चीज है, कभी भी ले लेती है हमारी, ठीक है। टोनी कक्कर आया भाई यहाँ पर, टोनी कक्कर जो कि है मैदान में, मुझे पता ये फल्टरस स्पाइक वगैरह छोड़ रहा था, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया ताकि यार मतलब बोरिंग ना लग जाए, स्टेलिंग वगैरह में थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ मैं भी, तो इसलिए रेस्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ। भाई साहब ये सही नहीं होगा, अगर ये फ्यूज़र 2-3 बार में नहीं लगता है ना तो इसका ये अटैक ना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यार मेरे पास ऐसा कोई पोकेमोन नहीं जो इसको डिफेंस कर सके, मतलब ग्राउंड डाउन को, तो थोड़ा सा परेशानी हो चुका है। देखो यार एक ही बार में मार दिया इसने, ठीक है,
काल भाई मैं, ओ भाई स्पाइक से इतना सारा डैमेज पड़ गया, मुझे पता वो जीमूव यूज कर देगा, मतलब इसके बाद पक्का यूज करेगा। मैं काउंटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब नहीं करता हूँ, फ्यूजर ही यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यार तुम लोगों को मैंने पहले बताया कि यार मारूंगा या मरूंगा, साफ बात है। और मुझे लगता है कि ये मैच मेरे हाथ से गया, मतलब अब कोई उपाय नहीं है भाई, लास्ट चांस मुझे बस लिफ्टॉक यूज़ करने का। यार उसने येलो स्पीड सीड यूज़ कर लिया, कास्ट फ्यूजर यूज़ कर लिया, तो मुझे लगता है कि पक्का मतलब वो चला जाता। यहाँ पर मैं मैच हारता हूँ कुत्ते की तरह, फिर से टोनी कक्कर मुझे मिलता है। ओके अब मैं सोच रहा था ना कि भाई देखो इसने फिर से वही स्टार्ट कर दिया था, स्पाइक सॉक्स स्पाइक्स वगैरह, ठीक है कर लो यार, अब क्या कर सकते हैं। मैंने गलती से येलो स्पीड सीड यूज़ कर लिया, ठीक है, अब मैं फिर से फ्यूजर मार रहा हूँ। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो मरा नहीं, उसके ऊपर से एचपी भाई रिकवर भी हो रहा था। यहाँ पर फ्यूजर लग जाता है, बहुत सही होता है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मैच कम से कम इसे जीत जाऊँ, क्योंकि यार बहुत ही बेरहमी से हारूँ पिछले बार, मतलब बहुत ही बेरहमी से यार, बहुत। रूट अब ये बंदा वापस से वही स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है, बल्कअप करके मुझे एक एक शॉट में किल करने का, मतलब फिराक में है। मैंने चाहता कि फिर से ये हो, तो मैं यहाँ पर फ्यूजो यूज़ करने वाला हूँ एकदम फुल रेस्ट के साथ, क्योंकि स्ट्रिपटॉक से तुम अगर कोई फ्यूजो वगैरह वाला लक वाला यूज़ करते हो ना, तो वो जल्दी लगने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर यार बड़ा परेशानी हो चुका है। मैं यहाँ पे अब लाता हूँ अपना ये पोकेमोन को, मतलब काल को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफेंस बहुत है। में बस ट्राई में था कि एक फ्यूजर लग जाए उसे, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गेम पलट जाएगी लिटरली। देखो भाई फ्यूजर लग गया, मतलब यार मानता हूँ कि यार मतलब लक बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, इतना ज़्यादा लक की मतलब तारीफ नहीं करना चाहिए, कहीं आगे जाके ना ख़राब हो जाए। अब किस्मत की बहुत ख़राब मतलब आदत होती है, जब कभी भी पलट जाती है, ठीक है। तो डूड यहाँ पे वो क्या करता है ना, स्टाइलिंग वापस चालू कर देता है। ये पोकेमोन को मारना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे इस पोकेमोन को, क्योंकि तो उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा, अटैक भी बहुत अच्छा। ये स्नोलैक्स इसलिए जाना जा रहा है अटैक डिफेंस एंड एचपी के लिए, तीनों चीज़ बहुत अच्छी है इसके। भाई फ्यूज़र लग जाता फिर से इसको यहाँ पे, और मैं ट्राई में था ना कि इसका मौली को भी मार सकूँ, तो यहाँ पे देखना क्या होता है, मतलब मैं मौली को मतलब बैक टू बैक दे सकूँगा फ्यूज़र, बट दिल खुश हो जाएगा अगर लग गया तो। भाई लग ही गया, मतलब मज़ा आ गया। और एक बार मैं इसके स्नोलैक्स को, मेरे ख्याल से इसके पास स्टडी होना चाहिए, मैंने देखा नहीं, मतलब पीपी यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ नहीं था, तो एक काम करता हूँ इसको स्किप कर देता हूँ, मतलब उसको मैंने दे दिया, मतलब वो गेम ले लो भाई, जीतो तुम ही। डूड पिछले बार जितने भी दो बंदे से मैंने अभी लड़ाई किया, जितने भी कहा दो ही बंदे से तो लड़ाई किया मैंने, ठीक है, तो उन दोनों में से एक में एक को हराया, जीता एक को जीता, ऐसे करके चलता रहा, नहीं दो से हारा मैं यार, मतलब यार चैलेंज लेके फायदा नहीं है कभी, फायदा क्या होगा, छोड़ो हटाओ भाई वहाँ पे ना, यहाँ पे ओ यहाँ पे नहीं, अरे क्या बोल रहा हूँ डूड। किसी ने मुझे बोला था कि नेचुरली मतलब शो किया करो व्हाट यू आर, तो पता नहीं क्या होगा आगे। फिलहाल यहाँ पे मैं अपना फोर्ट्रेस इसलिए निकालता हूँ ताकि यहाँ पर ग्रेविटी दे सकूँ। पता नहीं आज मेरा मुंह क्यों नहीं चल रहा, हाँ ऐसे तो पटर 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 चलता रहता है लेकिन आज नहीं चल रहा, ठीक है। ऐसे अटैक प्लस कर रहा है वो अपना, और मेरा थोड़ा स्पेशल डिफेंस कम है, मुझे पता है कि थोड़ा ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है। ग्रेविटी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया हुआ है, और फ्यूज़र मारने के लिए अपना काल निकाल लिया, फिलहाल उतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, ठीक है। मैं अब आशा करता हूँ कि वो अपना गार्जियम जेड ही निकालेगा, बट नहीं निकाला उसने, ठीक है। और एक बार तुम डैमेज दे दो, मैं यहाँ पे फ्यूजर और एक बार यूज़ करता हूँ। भाई लग जा यार, क्या क्या काल यार, मतलब तुमको इतना प्रैक्टिस मैंने करा, इतने खिला पिला का मोटा तगड़ा मतलब मस्त कर दिया, फिर भी यार तुम ऐसा परफॉर्म करोगे। ए एलन चल सब्सक्राइबर के सामने ऐसा बिहेव मत कर, चल वापस आ। अरे हाँ भाई काल ठीक है, मतलब इतना अच्छा बना था तुझे समझ नहीं आ रहा ना, ठीक है चल तू निकल। यहाँ पे मैं फिर से लाता हूँ अपने फोर्ट्रेस को, ग्रेविटी यूज़ करूँगा और रैपिड स्पिन यूज़ करूँगा इसके ट्रैप से निकलने के लिए, और उसके बाद वापस काल को लेकर आऊँगा। बहुत ज़्यादा एडवांस बोल रहा आजकल वो गेम प्ले के अंदर, समझ रहे हो भाई, बेइज्जती कर दे रहा मेरा यार तुम लोग के सामने, ठीक है। रैपिड स्पिन मैंने यूज़ किया, ट्रैप से निकल रहा हूँ मैं। अब एक काम करता हूँ, काल को नहीं बुलाऊँगा, बहुत ज़्यादा वो एडवांस हो गया, समझ रहे हो भाई लोग, उसको ना खिला पिला के ना बड़ा कर दिया मैंने ना, इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पे चढ़ गया, एटलीस्ट मेरे से मोटा हो गया दैट वाई। डूड अब मेरे पास दो तीन टर्न ही बचे हुए हैं जिससे मैं फ्यूज़र यूज़ करके उसको मार सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्यूज़र का मेरा ये नहीं दिखा रहा, मतलब कट मार्क आता है ना जिसको तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन्स ग्रेविटी अपना फुल काम कर रहा है। अटैक प्लस सिक्स से मुझे पता है एक शॉट में वो मुझे खा सकता है, और खा भी गया उसने, है ना, खा पी के एकदम पचा भी दिया ग्रैचम जेड ने। फाइटिंग एंड फ्लाइंग टाइप बंदा, सॉरी पोकेमोन, गुस्सा आ रहा मुझे भाई, एक फ्यूज़र फिट नहीं हो रहा यार, एक बार तो फिट हो जाए उसको, एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। फिर से ग्रेविटी में यूज़ कर रहा हूँ ताकि मतलब कुछ और टर्न्स मुझे मिल जाए इसको मारने को, तो ट्रैप से फिर निकलने के लिए रैपिड स्पिन मारना। यार सैंटोम बहुत अनोइंग है, नहीं बहुत गुस्सा आता सेंटोम से, अब तो यार स्टेलिंग से मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब कुछ दिन पहले स्टेलिंग पे ही मैं डिपेंड था एकदम लिटरली, अभी तो सिर्फ अटैकिंग ही मांगता है मेरे को, अटैकिंग चलेगा तो चलेगा नहीं तो बस यार गेम रद्द करो, ठीक है। काल को वापस लाता हूँ, चल काल भाई, सॉरी सॉरी जो कुछ भी बोला मैंने, सॉरी तू मेरा भी हिस्सा खा लेना चीनी रोटी, अभी फिलहाल इसको मार दे, चल ठीक है, चल ठीक है एलन तेरे बोलने पर मार देता हूँ।
भाई सच में मार देगा तू? चल मार्क दिखा। भाई साहब सच में मार दिया, मुझे भूखा रहना पड़ेगा यार। ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग के लिए। भाई भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो समझ रहा हूँ, यहाँ पे अपना मैं भूख हड़ताल कर दे रहा हूँ तुम लोग की वजह से। लेकिन सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर देना। हाँ मैं शेयर बोलना भूल जाता हूँ, हाँ हाँ शेयर भी बोलना पड़ता है, मुझे कल ही मालूम चला किसी वीडियो को देखकर। शेयर करना अपने दोस्तों से और कहना उसको कि सब्सक्राइब वगैरह कर दे क्योंकि एलन को ज़रूरत है। हाँ ऐसे ही कुछ बोलना चाहिए मुझे। ठीक है तो ये लास्ट मैच होने वाला है मेरा और इस मैच में मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छे से यहाँ पे जीतूंगा, बट मैंने भी थोड़ी सी गेम खेल ली थी। लाइक फिल्टर्स का जब मैं यहाँ पे लाया था ना तो थोड़ा टॉक्सिक पैक फेंक दिया था ताकि देखो आते साथ वो भी पॉइजनाइज्ड हो गया हुआ है, लेकिन अटैकिंग मतलब अटैक का डैमेज कम पड़ेगा, दैट्स व्हाई मैंने वो फेंक दिया। ठीक है तो और एक बार लग जा फ्यूजर भाई, मज़ा आ जाएगा, मार दे। यस भाई ये हुई ना बैटल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, थैंक यू।